जानेंगे देखेंगे ऐसा हम लोग का लाइट जो है ब्लिंकिंग प्रॉब्लम होता है। स्विच देखिए, ये देख रहे हो, ये लाइट हो रहा है ऐसा, ये ट्यूबलाइट हो रहा है। जैसे हम लोग स्विच ऑन ऑफ करेंगे ये बंद हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, देखिए ये स्विच ऑन ऑफ किए, ये बंद हो गया। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है तो हम लोग का लाइट ऐसा हो रहा है? तो चलो वीडियो पे बने रहिए, कंटिन्यू। भैया 15 दिन से प्रॉब्लम था, जिसमें 2 से 3 इलेक्ट्रीशियन आए, कोई बोला अर्थिंग तार लूज हो गया है, कोई बोला इन्वर्टर तार लूज हो गया है, कोई बोला ट्यूबलाइट खराब हुआ, कोई बोला तार बदलना पड़ेगा, स्विच बदलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है और आप देख रहे हो कमलेश इलेक्ट्रीशियन चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, एक साइट पे ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसके कारण काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है सामने वाले पार्टी लोग को। और ये कौन सा प्रॉब्लम है चलो आपको बता ही देते हैं। जैसा कि हम लोग एक स्विच बोर्ड में ना स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, तो दूसरा लाइट जो है हम लोग का ट्यूबलाइट का स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो दूसरा लाइट ब्लिंक होगा, नहीं का टीवी हम लोग का बंद हो जाएगा, कभी हम लोग का जो है सेटअप हम लोग का पूरा टीवी का बंद हो जाता है। जैसे हम लोग का ट्यूबलाइट ऑन ऑफ करते हैं और रूम का जब हम लोग लाइट ऑन ऑफ करेंगे तो ट्यूबलाइट का भी हम लोग का जो लाइट जो सप्लाई जाता है वो भी बंद हो जाता है और ब्लिंकिंग करना प्रॉब्लम हो जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो ऐसा ही हो रहा है प्रॉब्लम। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे चलो आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसमें आपको हल्का सा दिमाग ज़रूर लगाना है। आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखिए, आप लोग को समझ आ जाए कैसे इसका प्रॉब्लम का 100% सॉल्व किया जाए। दोस्तों वीडियो भी नहीं आए चैनल को ले सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आप लोग को मिलते रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामने वाली पार्टी हमारे घर पे यहीं पर हम लोग एंट्री कर चुके हैं और इनसे बात करते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग को पता कैसा करना है, सबसे पहले क्लाइंट से बात करना है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्क करना है। तो यहाँ पर हम लोग का प्रॉब्लम क्या हो रहा है? लाइट का स्विच चालू करने से दूसरा रूम का लाइट जल जाता है। अच्छा। कभी कभी टीवी बंद हो जा रहा है और कभी ये लाइट तार आ जा रहा है, 2 रूम 3 रूम के अंदर ये प्रॉब्लम है। कभी टीवी बंद हो रहा है तो कभी लाइट आ जा रही है। ठीक, क्या तार का प्रॉब्लम आया, स्विच का प्रॉब्लम आया? अच्छा, लाइट कंटिन्यू जलता है? नहीं, लाइट कंटिन्यू नहीं जल रहा है, चालू बंद हो रहा है, दूसरा रूम में लाइट अचानक जल जाता है, स्विच बंद होने से भी। तो आप लोग समझ चुके होंगे बोलने का इनका, लाइट जैसे ऑन करते हैं कभी हम लोग का लाइट बंद हो जाता है, कभी टीवी बंद हो जाता है, कभी कंटिन्यू जो जलते रहता है वो सप्लाई बंद हो जाता है, ब्लिंकिंग का भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलो कौन सा बोर्ड है वो देखते हैं और इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला नंबर का बोर्ड ये है, यहाँ पर एक ट्यूबलाइट लगा है। ठीक है, तो इनका कहना ये है, ये वाला तो यहाँ से है, फिर यहाँ से ऑन ऑफ करते थे ना तो ट्यूबलाइट ऑन हो जाता था उधर। ठीक है, अभी देख रहे हैं हल्का सा ब्लिंकिंग हो रहा है लाइट लोग सप्लाई में, देखिए हल्का जैसे ऑन ऑफ कर रहे हैं ये ब्लिंक हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग का जो ये ट्यूबलाइट है ये ऑन हो जाता था, देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए अभी ट्यूबलाइट ऑन हो गया, ये देखिए ऐसा हो रहा है बोले। अभी देखिए जैसे हम लोग ऑन हुआ था अभी देखिए फिर से बंद हो गया ये। और इनका कहना ये है टीवी के पास हम लोग का स्विच बोर्ड है यहाँ भी, जैसे सप्लाई ऑन करते थे ये टीवी भी बंद हो जाता था बोले। अभी चालू करने दीजिए, देखते हैं, ये देखिए ये हम लोग का एक स्पार्किंग प्रॉब्लम भी होता है, यहाँ से अक्सर इन्वर्टर वाले पॉइंट में होते ही रहता है। जैसे हम लोग का टीवी ये चल रहा है और जैसे हम लोग स्विच ऑन ऑफ करेंगे, ये देखिए लाइट यहाँ पर है, इसको जैसा ऑन कर रहे हैं और ये लाइट बंद हो गया। ठीक है, पंखे को जैसा ऑन ऑफ कर रहे हैं ना तो ये वहाँ से साउंड आना भी चालू हो रहा है, यहाँ लाइट भी बंद हो जा रहा है। तो सबसे पहले बोर्ड ओपन कर, तो ये स्विच बोर्ड पहले सबसे पहले हम लोग को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग का जो है फॉल्ट होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग जैसा ऑन ऑफ कर रहे हैं तो सभी जगह से हम लोग को ब्लिंकिंग हो रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, ये सब बोर्ड बाहर करना पड़ेगा, फटाफट सब स्क्रू निकालते हैं और उसके बाद आपको देखते हैं। देखिए बोर्ड ओपन कर लिए, जैसे हम लोग फैन ऑफ कर रहे हैं ना, ये देखिए फैन ऑफ हुआ तो लाइट भी ऑफ हो गया, फैन ऑन किए तो लाइट भी ऑन हो गया, और लाइट का स्विच ये वाला है। तो इसका रीज़न क्या है चलो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ना स्विच देख लेना, स्विच का क्वालिटी रहता है, जैसे पत्ती लोग हम लोग का लूज़ हो जाता है, और कभी यहाँ पे नट लोग ना ढीला रहता है, जैसे कि देखिए ये वाला हल्का सा ढीला है, इसको भी फुल टाइट करना है, और ये सब मेन वाले जो हम लोग का लाइन लूपिंग है वो सब फुल टाइट करना है, लूज रखना ही नहीं बिल्कुल। देख जैसे ये हो रहा है, अभी एक बार और देखते हैं इसको ऑन ऑफ करके। तो जैसा हम लोग का लूज कनेक्ट रह गया तो ये स्पार्किंग जनरेट होता है, जो हम लोग का जो फ्रिक्वेंसी में जाता है सप्लाई, जैसा हम लोग देखिए अभी भी हो रहा है,
तो मतलब ये वाला स्विच जो अभी टूटा भी हुआ है, तो ये हम लोग का पत्ती जो है लूज हो जा रहा होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक बार डायरेक्ट करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा स्विच में प्रॉब्लम है क्या है, क्योंकि यहाँ पर 220 वोल्ट तो आ ही रहा है, फिर अभी भी हम लोग का जो है हल्का हल्का ब्लिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑन ऑफ करके देखें क्या होता है। हम लोग का जो है एलईडी ट्यूबलाइट है, इसका पावर सप्लाई कभी कभी ना वीक हो जाता है, जो कैपेसिटर रहता है ना फटा रहता है, तो ये क्या होता है, जैसे हम लोग लोड डालेंगे तो हम लोग का ट्यूबलाइट जो है बंद हो जाएगा, उसके कारण हर जगह हम लोग का पावर फैक्टर के हिसाब से हम लोग का सप्लाई बंद चालू हो जाता है। देखिए अभी भी हम लोग जिसको सप्लाई डायरेक्ट करने के बाद भी ऐसा रीज़न हो रहा है, तो आप लोग को समझ आ गया ये हम लोग का जो है फोल्ड कहाँ पर है, समझा कुछ। यहाँ से हम लोग का ट्यूबलाइट का पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हम लोग इसको डायरेक्ट करने के बाद भी जो है पंखे को ऑन ऑफ कर रहे हैं ना, तो अभी भी हो रहा है। इसको भी एक बार डायरेक्ट करके चेक करके देखते हैं, ये देखिए अभी ट्यूबलाइट अभी ऑफ पोजीशन में, इसमें सप्लाई दिए हैं फिर ये ऑफ है। जैसे हम लोग पंखे का वायर यहाँ पर लगा रहे हैं, ये देखिए चालू हो रहा है और ये चालू हो चुका है, ठीक है। तो ये देखिए ये हम लोग का 100% हम लोग का स्विच में तो सप्लाई सही से जा रहा है, उसके बाद हम लोग को चेक करना पड़ रहा है यहाँ पर पंखे जैसे लगा रहे हैं ये बंद हो जा रहा है। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कहाँ पर ये प्रॉब्लम है, नहीं समझ आएगी इसका, हम लोग का ट्यूबलाइट में जो पावर सप्लाई लगे रहता है उसमें ना कुछ प्रॉब्लम है, उसके कारण जो है ये हम लोग का ट्यूबलाइट जो है बार बार ये बंद हो जा रहा है चालू हो रहा है। अभी देखिए डायरेक्ट करने के बाद भी ये सप्लाई जा रहा है, देखिए करेंट जा रहा है फिर ये वर्क नहीं कर रहा है। अधिकतर कभी कभी वायर का जो लॉस होता है उसमें भी होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 एम का वायर यूज किया गया है। तो ये हम लोग का ट्यूबलाइट का फॉल्ट है, ये स्विच से हम लोग का सप्लाई सही से जा रहा है। देखिए रूम का लाइट को भी ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पर लाइट ऑफ होने के बाद देखिए ये ट्यूबलाइट कैसा हो रहा है। तो ये एक ही ट्यूबलाइट हो रहा है, बाकी ट्यूबलाइट कोई सा भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। तो आप लोग को समझ आ गया हम लोग का स्विच बोर्ड में, चलो छोटा मोटा लूज रहता है तो अलग बात है, हल्का सा लूज था वो भी टाइट करने के बाद इसको डायरेक्ट कर दिए। डायरेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो ये हम लोग का 100% ट्यूबलाइट ख़राब है, क्योंकि इस रूम का लाइट ऑन करते हैं, लाइट ऑन करने के बाद देखिए ट्यूबलाइट भी ऑफ हो गया। जैसे ऑन ऑफ करेंगे तो ये लाइट ऐसा ब्लिंकिंग हो रहा है, अब पंखे का जैसे पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर ये चालू हो जाएगा, मतलब यहाँ से हम लोग का पावर और इसको मिल जा रहा है रिटर्न, तो इसके कारण ये चल रहा है 100%। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कनेक्शन डालने के बाद भी इस रूम से ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ये लाइट हम लोग का ऑन ऑफ हो जा रहा है, मतलब हम लोग का 100% ये वाला लाइट भी ऐसा लग रहा है मेरे को 100% ये ट्यूबलाइट ख़राब है। ये वाले भी स्विच बोर्ड खोल लेते हैं, ये वाला मेरे को भी डाउट लग रहा है, इधर से हम लोग का स्विच में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बोर्ड से कम्बाइंड जॉइंट है। तो ये भी बोर्ड खोलते हैं और इसके लिए एक ट्यूबलाइट नया मंगवाते हैं, और चलो आपको बताता हूँ ट्यूबलाइट में क्या प्रॉब्लम हो रहा था, ऐसा हम लोग का ब्लिंक हो रहा था। जैसा कि हम लोग ट्यूबलाइट ओपन किए यहाँ से और दिखाई दे रहा है यहाँ पर जला हुआ, तो ये वाला पुराने वाला ट्यूबलाइट है, तो चलो इसको पोस्टमार्टम करके भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर होता क्या है और ये कैसा ख़राब होता है। तो इसके कारण ये बार बार ब्लिंक हो रहा है, उसके कारण बाकी लाइट को ये भी हाफ डाउन कर रहा था, ठीक है। तो अब इसके जगह हम लोग नया ट्यूबलाइट अभी इंस्टॉलेशन करते हैं, तो चलो देखते हैं। ट्यूबलाइट तो अभी हम लोग एक नया इंस्टॉलेशन कर दिए, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो अभी हम लोग का ट्यूबलाइट यहाँ से जलता था ना, हम लोग स्टार्टिंग पे रख दिए क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में चाहिए रहता है। देखिए जैसे हम लोग ट्यूबलाइट ऑन कर रहे हैं, ये देखिए ऑन हो गया, फैन ऑन करते थे तो लाइट बंद हो जाता था। चलो अब देखते हैं, जैसे फैन ऑन किए ये देखिए लाइट अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, ब्लिंक नहीं हुआ ना कहीं से आवाज़ आया खट से। पहले कितना आवाज़ आ रहा था, खट से आवाज़ आ रहा था, मतलब स्पार्किंग का कहीं का लूज कनेक्ट का। तो ये देखिए ये जैसे लाइट ऑन ऑफ कर रहे हैं ये लाइट सही से चल रहा है, ठीक है। ये ऑन कर देते हैं और देखते हैं यहाँ का भी हम लोग जो एक स्विच चेंज कर दिए, स्विच ख़राब था, ये लाइट ऐसे ब्लिंक हो रहा था, तो कहीं कहीं स्विच भी ख़राब रहता है, कहीं कहीं लाइट का ख़राब का भी हो रहता है। तो आपको 100% चेक कर लेना है सही तरीके से, और उसके बाद आपको यह डिसाइड करना है कौन सा लाइट ख़राब है। देखिए जैसे यहाँ से ऑन ऑफ कर रहे थे ना, ये देखिए लाइट कैसे बंद हो रहा था, ये देखिए कुछ हो रहा भी, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग का जो है ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुका। आप देख सकते हो कैसे सॉल्व किए हैं, आप लोग को तो वीडियो पे
देखे होंगे स्किप नहीं किए हैं तो पता चल गया होगा, जो स्किप किए हैं तो फिर से बैक करिए और जाके देखिए इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए हम लोग। ये देख सकते हो ये फोल्ड था, ये सॉल्व हो चुका। यहाँ से भी ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ये लाइट कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब ये सही है। ठीक है, तो फटाफट चलो बोर्ड लोग को पैक करते हैं और इसको भी बोर्ड को पैक कर देते हैं। फाइनल हुआ, अभी हम लोग टेस्ट कर लिए और भैया कुछ बोलना चाहते थे ये हम लोग के लाइट के बारे में, चलो उनसे बात करते हैं और फाइनल यहीं पर हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आपका लाइट जो ब्लिंकिंग हो रहा है कुछ भी, तो आपको पहले सबसे पहले लाइट भी चेक कर लेना है और स्विच लॉक को सही से फिटिंग है कि नहीं वो भी देखना है। ये हम लोग का इधर का हो गया कम्प्लीट। और भैया कुछ हम लोग से बोलना चाहते थे, चलो बात करते हैं। भैया हम लोग से कुछ बोलना चाहते थे क्योंकि ये वाला लाइट के लिए कुछ इलेक्ट्रिशियन आए थे, बोल रहे हैं कौन कौन आए थे भैया? 15 दिन से प्रॉब्लम था जिसमें 2 से 3 इलेक्ट्रीशियन आए, कोई बोला अर्थिंग तार लूज हो गया है, कोई बोला इन्वर्टर तार लूज हो गया है, कोई बोला ट्यूबलाइट ख़राब हुआ, कोई बोला तार बदलना पड़ेगा, स्विच बदलना पड़ेगा। और कमलेश भाई ने बिना कुछ किए खाली एक ट्यूबलाइट को अल्टी पल्टी किया और पूरा लाइट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। धन्यवाद कमलेश भाई, वेलकम। तो आप लोग देखें हमारे YouTube वीडियो देखने से काफ़ी जन को फ़ायदा होता है, हमारा वीडियो देखें और इनके बच्चे लोग बोलें इनका इससे बुलाओ और इनसे ठीक कराओ। तो फाइनल हम लोग इनका प्रॉब्लम जो है 15 से 20 दिन हो गया ये वाला प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व कर दिए। और यहीं पर दोस्तों हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा था कमेंट करके आप लोग जरूर बताना, वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ले सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आप लोग को मिले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोगन।